आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, यानी आज हम सीखेंगे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो है, कैश बुक और पासबुक की जो अमाउंट है जो कि बैलेंस ये बता रहा है, जो पड़ा हुआ है उसमें डिसएग्रीमेंट होता है, यानी वो एक दूसरे से मैच नहीं करता, और उसकी वजूहात क्या है, यानी उसके कॉजेज क्या है जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता। पहले हम जानते हैं कैश बुक क्या होती है। कैश बुक वो बुक है जहां बिजनेस में आने वाला तमाम कैश, जिसे हम इनफ्लो कहते हैं, या बिजनेस से जाने वाला तमाम कैश जिसे हम आउटफ्लो कहते हैं, वो तमाम मेंटेन किया जाता है जिस बुक में, उसे हम कैश बुक कहते हैं। इसके अलावा कैश बुक में हम लोग वो तमाम चेक्स, जिन चेक्स के थ्रू हमारे पास से पैसे आते हैं, या जिन चेक्स के थ्रू हम लोग कैश दूसरों को देते हैं, यानी चेक इशू करते हैं कैश की जगह, तो ये कैश बुक के बैंक कॉलम में चेक से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाती है। अब हम देख लेते हैं पासबुक क्या होती है। पासबुक वो बुक होती है जो कि बैंकर हमें प्रोवाइड करता है, जब हम लोग बैंकर से रिक्वायर करते हैं कि वो हमें बताए कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, तो बैंकर क्या करता है, हमारे बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन सारी हमें पासबुक की सूरत में, या जिसे हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं उसकी सूरत में हमें देता है। तो होता क्या है, सम टाइम्स हमारी पासबुक का बैलेंस या हमारी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हम लोग लिख देते हैं, लेट सपोज ये बैलेंस होता है 10,000, और इसके अलावा जो बैलेंस हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में मेंटेन किया हुआ है वो हमें बता रहा है कि हमारे बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए होने चाहिए। तो अब ये जो रीजन ये जो चेंज आ रहा है हमारे कैश बुक के बैलेंस में और हमारे पासबुक के बैलेंस में, ये चेंज क्यों आ रहा है, ये रीजन जानने के लिए अकाउंटिंग में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, जो कि हमें बताती है ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है। अब ऐसे रीजंस क्या हो सकते हैं, या ऐसे कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बैलेंस में डिसएग्रीमेंट है या बैलेंस में डिफरेंस है, तो वो रीजंस आज हम देखेंगे। यहाँ हमने लिख लिया पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहला रीजन वो कौन सा है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस एक दूसरे से डिफरेंट होता है। चेक इशू कर दिया है बट नॉट पेड बाय बैंक, मतलब हमने चेक इशू कर दिया है, जब चेक इशू कर दिया है तो हम लोग कैश बुक में कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं कैश बुक के बैंक कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, बैंक कॉलम में हम लोग कैश को कैश बुक के अंदर क्रेडिट कर देंगे, यानी हमारे पास से ये कैश चला गया है हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख लिया 30 मार्च 2018 या 30 मार्च 2018 को क्या हुआ, 20,000 रुपये हमने चेक इशू कर दिया है 20,000 का, तो हमने ये चेक जो हमने इशू किया है वो हमने अपने कैश बुक के अंदर क्रेडिट कर दिया, यानी इतनी अमाउंट हमने शो कर दिया हमारे पास से चली गई है। अब ये अमाउंट जो है अभी बैंक ने नहीं पे की, तो बैंक में क्या हो रहा होगा, बैंक में जब जो हमारा अकाउंट मेंटेन है उसमें ये अमाउंट पड़ी हुई होगी और ये अमाउंट हमारे पास शो नहीं हो रही होगी, तो इसका मतलब है 20,000 का डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, मतलब जिस टाइम पे हमने ये चेक इशू किया है उस टाइम पे बैंक से ये अमाउंट नहीं पे हुई, तो वो थोड़ा सा चंद दिन के लिए डिफरेंस क्रिएट रहेगा, और इस डिफरेंस की वजह से जिस टाइम पे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच किया जाएगा तो उनमें डिफरेंस आ रहा होगा। ये डिफरेंस एक्चुअली टाइमिंग की वजह से होता है, यानी जिस वक्त बैंक जो है ये अमाउंट जो कि हमने जिसका चेक इशू किया है वो पे कर देगा बैंक, तो ये डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। टाइमिंग की वजह से ये डिफरेंस आ रहा होता है, हमने चेक इशू कर दिया है लेकिन बैंक ने वो अमाउंट पे नहीं की, तो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद हम अगले रीजन पे आते हैं, चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, यानी कलेक्शन के लिए चेक डिपॉजिट करवा दिया है हमने अपने बैंक अकाउंट में, चेक को जमा करवाया है कि चेक को कलेक्ट कर लें, बट नॉट येट कलेक्टेड, लेकिन बैंकर ने क्या किया है वो चेक अभी तक कलेक्ट नहीं किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, हमने चेक डिपॉजिट करवाया है तो हमने कैश बुक में किस तरह से रिकॉर्डिंग की होगी, कैश बुक में हमने लिख दिया होगा कि जो चेक हमने डिपॉजिट करवाया है वो चेक जो है वो उससे रिलेटेड कैश जो है वो आ चुका है हमारे पास, यहाँ हम लिख देते हैं कैश रुपीज 5,000 हमने लिखा होगा कि वो रिसीव हो गया है, ये हमने रिकॉर्डिंग की होगी अपनी कैश बुक में। इसके अलावा बैंक में किस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी, बैंक में ये अमाउंट अभी नहीं आई होगी क्योंकि बैंक ने ये अमाउंट कलेक्ट नहीं की, तो बैंक में ये अमाउंट नहीं पड़ी होगी, तो क्या होगा, हमारी कैश बुक ये शो कर रही होगी कि 5,000 रुपीज़ बैंक में है, बैंक कॉलम में कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने लिखे होंगे और बैंक में ये अमाउंट मौजूद नहीं होगी, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ जाएगा 5,000 का, जो कि हमारी कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से डिफरेंट कर देगा।
इसके बाद हम अगला रीजन देखते हैं जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच नहीं करता. तो अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन टू द बैंक बाय डेटर्स, यानी डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे वसूल करने होते हैं. डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें हम लोग क्रेडिट पे चीजें बेच देते हैं, यानी हम लोग सेल क्रेडिट पे कर रहे हैं. इसका मतलब है हम उन्हें टाइम पीरियड दे देते हैं कि वो फ्यूचर में हमें पैसे दे दें. तो क्या करेंगे डेटर्स, डेटर हमें पेमेंट कर रहे हैं उन सेल्स से रिलेटेड जो कि उन्होंने की थी. अब जब वो पेमेंट कर रहे हैं तो डेटर ने क्या किया है, वो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं और हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा करवा रहे हैं. अब वो बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, बैंक के बैलेंस में इंक्रीज आ जाएगा, यानी बैंक में ये अमाउंट आ जाएगी जो कि वो जमा करवा रहे हैं. यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बैंक में इनके डेटर्स के पैसे जमा करवाने की वजह से 5000 रुपीस बैंक में आ गए हैं और ये डायरेक्टली बैंक में जमा करवा रहे हैं तो हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होगा और कैश बुक का बैलेंस 5000 से कम शो हो रहा होगा, इसमें डिक्रीज होगा 5000 रुपये से. तो ये भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बैंक के अकाउंट के बैंक अकाउंट में बैंक जो हमें स्टेटमेंट दे रहा है हमारे बैंक अकाउंट की उसके बैलेंस से मैच नहीं कर रहा. अगले रीजन पे आते हैं. अब हम डिविडेंड या डिविडेंड की तरह की कुछ और पेमेंट है जिस जो हम लोग बैंक को कह देते हैं हमारे बिहाफ पर कलेक्ट करता रही और बैंक ने क्या किया है, डिविडेंड को कलेक्ट किया है बैंक ने और हमें इसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली. तो क्या होगा, डिविडेंड हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, डिविडेंड बैंक ने कितना कलेक्ट किया है, ₹10,000 डिविडेंड होता क्या है. जब भी हमने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हुए होते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होता है, वो कंपनी सेल कर रही है उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का जो शेयर है वो हमें दिया जाता है उसको डिविडेंड बोला जाता है. यहाँ हमने लिख दिया ₹10,000 का डिविडेंड जो है वो बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट किया है. तो क्या होगा, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हमारा बैंक अकाउंट 10,000 से इंक्रीज कर रहा होगा, यानी ₹10,000 से हमारे बैंक अकाउंट में इजाफा हो रहा होगा और इसके बरक्स हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है कि हमारे बैंक अकाउंट में ये अमाउंट आई है. तो जो हमने कैश बुक बनाई होगी जिसमें हम लोग ये तमाम रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना कैश हमारे कितने चेक हम लोग इशू कर रहे हैं, कितने चेक हमारे पास आ रहे हैं, उस कैश बुक में 10,000 रुपीज शो नहीं हो रहे होंगे. तो ये चीज़ भी डिफरेंस क्रिएट कर रही होगी कैश बुक के बैलेंस में और बैंक अकाउंट ने जो बैलेंस मेंटेन किया है और हमें बैंक स्टेटमेंट के फॉर्म में वो दिखाता है बैंक, तो उस बैलेंस में डिफरेंस आ रहा होगा. इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स. जो पैसे हम बैंक में जमा करवाते हैं उसे डिपॉजिट्स कहते हैं. अब जो पैसे हमने बैंक में जमा करवाए हुए हैं उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है और ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होता है, एक बैंक का दूसरे बैंक से वेरी करता है, यानी मुख्तलिफ होता है. तो हमने यहाँ लिख देते हैं हमने बैंक में 1,00,000 रुपया जमा करवाया हुआ है और जब हमने पैसे जमा करवाए हुए हैं उस पर 5% बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है. तो बैंक क्या करता है, हमारे बैंक अकाउंट में 1,00,000 पे जब हम लोग 5% लेते हैं तो ये आ जाता है ₹5,000. तो बैंक 5,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में डाल देगा, यानी हमारे अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट कर देगा. तो ये अमाउंट जो है ये बैंक में मेंटेन होगी, यानी जो बैंक अकाउंट हमारा है उसमें हमारे पास 5,000 से बैलेंस ज़्यादा होगा और हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होगा. तो ये 5,000 जो हमने अपने पास कैश बुक मेंटेन की हुई है, कैश बुक में हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया हुआ होगा बैलेंस. तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बैंक के बैलेंस के बराबर नहीं आता, यानी कैश बुक जो बैलेंस शो कर रही होती है बैंक स्टेटमेंट जो कि बैंक प्रोवाइड करता है वो उससे डिफरेंट बैलेंस शो कर रही होती है. हम देख लेते हैं आगे इसके बाद हमारे पास क्या है और कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच नहीं करता. इंश्योरेंस प्रीमियम या इस तरह का कोई और एक्सपेंस हमारे बिहाफ पर बैंक पे कर रहा है. अब जब बैंक हमारे बिहाफ पे ये अमाउंट पे कर रहा है तो इससे क्या हो रहा होगा, हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें से अमाउंट जा रही होगी. हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हमारे बैंक अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है ₹3,000 से अमाउंट में कमी आ रही है और हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है. मतलब हमें अभी बैंक ने इन्फॉर्म नहीं किया, ये बात हमें अभी नहीं पता चली जिस वक्त हम लोग बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं उस वक्त इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है. तो बैंक अकाउंट में हमारे 3,000 कम हो गए होंगे जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने हमारे बिहाफ पे किया है उससे, और हमारी कैश बुक क्या शो कर रही होगी, हमारी कैश बुक को में इस चीज़ का हमें इल्म नहीं है तो हमने ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं की होगी. तो 3,000 से हमारी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा क्योंकि हमने ये जो एक्सपेंस है इसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा. ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से या पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करेगा.
इसके बाद है हमारे पास बैंक चार्जेस. बैंक चार्जेस वो होते हैं जो बैंक अपनी सर्विस प्रोवाइड करने की फीस हमसे लेता है, उसे बैंक चार्जेस कहा जाता है. तो बैंक क्या कर रहा होगा, ये पैसे जो हमारे बैंक में हमारे पास हमारे पैसे पड़े हुए हैं उसमें से ये अमाउंट डिडक्ट कर रहा होगा, यानी ये अमाउंट काट रहा होगा. हम लोग लिख लेते हैं रुपीज 500 बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर दिए, रुपीज 500 से हमारा बैंक अकाउंट में कमी आ गई. और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, हमने ये अमाउंट कैश बुक में मेंटेन नहीं की होगी, हमने कैश बुक में ये नहीं लिखा होगा कि हमें बैंक चार्जेस जो पड़े हैं उसकी वजह से रुपीज 500 जो कम हुआ है वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया होगा. तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाएगा कैश बुक के बैलेंस में और हमारी पासबुक के बैलेंस में या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में. तो ये वो तमाम रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच नहीं करता. ये आमतौर पर ये सब कुछ टाइमिंग के डिफरेंसेस की वजह से होता है, यानी हमने कुछ बैंक चेक को पे कर दिया है, यानी बैंक को हमने चेक इशू कर दिया है जैसे, और बैंक ने अभी तक वो पे नहीं किया, यानी बैंक ने कुछ जो है हमारे बिहाफ पे कलेक्शन करनी थी वो नहीं की. कुछ टाइमिंग के डिफरेंसेस की वजह से ये डिफरेंस अराइज होते हैं और जिनको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर इन डिफरेंसेस को ख़त्म किया जाता है. तो आज हमने जाना वो कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच नहीं करता.